एक समय की बात है जब एक सेगमेंट की स्टार्टिंग हुई थी जिसकी पहली गाड़ी होंडा क्रेटा थी, उसके बाद सेल्टॉस लॉन्च हुई, फिर क्रेटा लॉन्च हुई और धीरे धीरे करते करते सेगमेंट पूरा भर गया। एक के बाद एक लॉन्चेस होते गए एंड सेगमेंट भरता गया, लेकिन इसके ऊपर एक और सेगमेंट आता है जिसके अंदर टाटा हैरियर, MG हेक्टर एंड XUV 7W जैसी गाड़ियां आती हैं। इस वक्त तो इसी गाड़ी का राजा है, ये सब गाड़ियां अभी इंडिया के अंदर दबा के बिक रही हैं। लेकिन जहां एक तरफ सेगमेंट बड़ा होता जा रहा था, वहीं दूसरी ओर टाटा वाले एक नए बलवान को जन्म देने की तैयारी कर रहे हैं जिसका अंदाजा अभी किसी को नहीं है। बट उसका अंदाजा मैं आपको करा दूंगा। अंदाजा क्या, पूरा अंदाज बता दूंगा इसका आपको, जिसके लिए एक छोटा सा काम करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब। भाई हर काफी मेहनत करता है, प्लीज सो दबा दो प्लीज। सो टाटा वाले हैरियर, सफारी, XUV 7W एंड कुछ और गाड़ियां आती हैं, इनके लिए एक नई गाड़ी लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है, मुझे नहीं पता, मतलब कोड नेम पता है लेकिन ओरिजिनल नेम में पता, टोयोटा 340D। भाई इसके नाम के अंदर तो BMW का इंजन फिट कर दिया, तो जब नाम के अंदर BMW आ जाए तो समझ जाओ कि गाड़ी आम नहीं, अंगूर है। और पहले तो हमें लगा था कि लोग अपनी टोयोटा हैरियर को लॉन्च कर देंगे, जो कि बाहर वाली हैरियर आती है टोयोटा की, वो वाली, बट ये नहीं, ये लोग कोई नई गाड़ी डेवलप कर रहे हैं इंडिया के लिए, इनफैक्ट इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड के लिए, जिसके बारे में अभी हमें लिटिल बिट मतलब छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, कुछ खास नहीं है, वो देंगे आपको आगे। तो अभी टोयोटा का हैदराबाद के अंदर दो प्लांट्स आते हैं, लेकिन ये लोग एक नए प्लांट को डेवलप करने की तैयारी में है, वो टोयोटा का तीसरा प्लांट होगा जिससे इनका जो प्रोडक्शन है वो 30% और इंक्रीज हो जाएगा। जहां पर जो इनकी नई गाड़ी वगैरह लॉन्च होगी वहां पर वही मैन्युफैक्चर की जाएंगी। और उस नए वाले प्लांट के अंदर टोयोटा वाले एक साल में 60,000 प्रोड्यूस करेंगे, 60,000 कार्स एक साल में। और बाकी जो कि नई वाली गाड़ी होगी, ये दो ऑप्शन में आने वाली है, एक हाइब्रिड एंड एक इलेक्ट्रिक, गाड़ी दोनों ऑप्शन में आने वाली है। और इसके इंजन वगैरह का भी हमें कुछ नहीं पता, सुनने में तो इतना आ रहा है कि ये लोग कोई 2000cc के इंजन पर काम कर रहे हैं जो कि पेट्रोल हाइब्रिड होने वाला है, एंड उसके साथ साथ ये लोग किसी इलेक्ट्रिक मोटर पर भी काम कर रहे हैं। सो प्लान तो काफी तगड़ा है, बट इससे तगड़ी एक और चीज है, लाइक एंड सब्सक्राइब। वेल मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय।